हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस, दिस इज मी दिलीप पुरी टेकिंग योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी सेशंस में जो आज का हम टॉपिक लाए हैं वो है फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, कई बार हमने ये वर्ड सुना है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री, ये कई बार हमने ये वर्ड सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता है। तो आज सारे ये कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे। अब फेडरल सिस्टम भी एक कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नेंस है, कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नेंस है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बेसिस पे, उनके रिलेशनशिप के यूज बेसिस पे हमने जो पूरे गवर्नेंस को था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है या प्रेजिडेंशियल सिस्टम हो सकता है। क्या होता है डिटेल में आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम भी एक क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ गवर्नेंस है, ऑन दी बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन दी नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, एंड दी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, जो रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उसका और जो सेंटर का रिलेशन है उसके बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन होता है उसमें दो टाइप की सरकारें निकलती हैं, यूनिटरी और फेडरल। आज यही हम डिस्कस करेंगे, क्या होती है फेडरल सिस्टम और क्या होता है यूनिटरी सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। सो फेडरल सिस्टम, अब हमारा फेडरल सिस्टम, सो फेडरल सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप में आपस में क्या रिलेशनशिप है उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो फेडरल गवर्नेंस है, फेडरल सिस्टम फॉलो करती है या यूनिटरी सिस्टम फॉलो करती है। क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। तो दो कैटेगराइजेशन क्या हो सकते हैं, या तो यूनिटरी हो सकती है या फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। सो यूनिटरी एज दी नेम सजेस्ट, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, सिंगल, सिंगल बेसिकली सिंगल गवर्नमेंट अगर होगी ज़्यादातर यूनिटरी, या फोकस्ड एक ही जगह होगी, सारा पावर एक ही जगह होगा, उसको बोलते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट। डिटेल्स क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट की, यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन दी नेशनल गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो एक देश की जितनी भी गवर्नेंस है, एक देश की जितनी भी गवर्नेंस है वो एक जगह से कंट्रोल हो रही है, पूरे देश की, अगर ये पूरा देश है तो इसकी गवर्नेंस हमने मान ली यहाँ से कंट्रोल हो रही है, एक जगह से कंट्रोल हो रही है, एक ही गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। जहाँ पे पूरे देश की गवर्नेंस एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है या रेगुलेट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। क्लियर है। रीजनल और लोकल गवर्नमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब इस देश में हो सकता है कि यहाँ पे पावर छोटी छोटी गवर्नमेंट्स हो, डिविजनल गवर्नमेंट्स हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, या कैटेगराइजेशन छोटा छोटा और हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं और भी हो सकती है, ज़रूरी ही नहीं हो कि है या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया ऑफ दी कंट्री या टाइप ऑफ द सिस्टम फॉलोड इन दी कंट्री, कुछ भी हो सकता है, या होमोजेनिटी कितनी है, लोग किस किस प्रकार के हैं, एक ही टाइप के लोग हैं तो हम एक ही गवर्नमेंट से रूल कर सकते हैं, अगर बहुत टाइप के हेटरोजीनियस लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भाषाओं के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी हमारे को छोटी छोटी गवर्नमेंट भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट एरियाज़ के बेसिस में हमें छोटी गवर्नमेंट भी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन वापस यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, अगर ये गवर्नमेंट क्रिएटेड भी हैं, छोटी छोटी गवर्नमेंट पूरे देश में और भी गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन जो पावर है वो सारी पावर कहाँ लाया करेगी, सारी पावर लाया करेगी सेंटर पे या एक मेन गवर्नमेंट में, और वो ही अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी इन छोटी छोटी गवर्नमेंट को, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट्स हो सकती है, रीजन जिस पे, जिस किसी भी बेसिस पे इनको अलॉटमेंट दिया जा सकता है। तो पावर्स इनको देगा कौन, पावर्स देगा इनको, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, सिंगल गवर्नमेंट ही करेगी। तो मेन पावर किसके पास है, सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इनके पास कोई ऐसा पावर्स नहीं रहती, खुद की पावर्स नहीं रहती, ऑटोनॉमस नहीं रहती है कि भैया खुद की पावर्स हैं, खुद के हिसाब से डिसीजन ले सकती है। जितनी भी पावर्स हैं वो ऊपर भगवान बैठे हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वैसे हमारे भगवान में करते हैं ना, हमारे हाथ देते हैं और आशीर्वाद निकलता है, तो इसी तरीके से ये भगवान बैठे हैं यहाँ पे और इनके आशीर्वाद लगता है सबके ऊपर, आशीर्वाद सारी गवर्नमेंट के ऊपर आशीर्वाद पहुंच जाता है, लेकिन पावर किसके पास है, इनके पास ही, सारे इनकी पास ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर। लोकल गवर्नमेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को पूरे देश भर में पॉलिसीज लागू करनी है, लॉज लागू करने हैं, तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए हम स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स या रीजनल गवर्नमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वापस अगेन द पावर्स लाई विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट और अ सिंगल गवर्नमेंट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, हैव पावर्स ओनली विच द सेंट्रल गवर्नमेंट चूजेस टू गिव देम। बात कर ली अपन ने, इनके पास वही पावर्स होंगी जो भगवान की तरह, आशीर्वाद की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आशीर्वाद की तरह इनके पास आएंगी, अदरवाइज इनके पास खुद की पावर नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है ये, खुद की पावर्स इनके पास नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पावर्स से ही ये काम करते हैं। क्लियर है।
इसके एग्जांपल्स अगर बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, इसके सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ दी फेडरल गवर्नमेंट, अब आते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट का है जहाँ पे स्टेट और नेशनल साठगांठ के साथ चलती हैं, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट जो होती हैं साठगांठ के साथ चलती है। दोनों का अस्तित्व बहुत ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी होती हैं। सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के बेसिस पे आप पूरा देश रेगुलेट नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही महत्व है जितना कि नेशनल गवर्नमेंट का है, तो उसे बोलते हैं हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पावर डिस्क्राइब कौन करता है, डिफाइन कौन करता है कि नेशनल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगी, तो उसको डिसाइड करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पर अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा यूनिटरी गवर्नमेंट में कौन डिसाइड करता है, आशीर्वाद कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या पावर होंगी। लेकिन जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि भैया नेशनल के पास क्या पावर्स रहेंगी और रीजनल या स्टेट प्रोविंसेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी उनके पास क्या पावर रहेंगी। तो बेसिकली ये दोनों हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, इंडिविजुअली किसी की कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों साथ मिलकर चलेंगे जब भी हमारे देश के लिए काम हो पाएगा या फेडरल स्ट्रक्चर जहां फॉलो हो रहा है वहां पे देश आगे बढ़ पाएगा। क्लियर है, डिस्टिंग्विश, मेन डिस्टिंग्विशमेंट समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। Both level of the government act directly on behalf of the people through their own set of laws and official agencies. सबके पास अपने laws होते हैं, law creating agencies होती हैं, सबके पास अपने constitutional powers होती हैं, चाहे state government हो चाहे central government हो, दोनों के पास अपनी powers रहती हैं। और दोनों को किसके behalf पे काम करते हैं, of the people, दोनों पे जो लोग होंगे वो people को represent करेंगे, वहाँ की जनता को represent करेंगे, मतलब elected by the people होंगे। Clear है। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। सो जो ऊपर है सेंटर में है, जैसे हमारे देश में भी होता है, सेंटर में जो होती है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो हमारे नीचे स्टेट्स में उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। सो ये गवर्नमेंट को बोला जाता है, ये इनका नामकरण है। इसके एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया भी इसी का एग्जाम्पल है, पर थोड़ा सा इंडिया में फ़र्क है, वो अभी हम थोड़ी देर में जान जाएंगे क्या फ़र्क है। बहुत ही माइन्यूट फर्क है, समझ में आपको आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं है। फेडरेशन, क्योंकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी हम फेडरेशन हैं। कैसे हैं, क्या फ़र्क है हमारा, क्या नुआंस है, क्या बारीकी है हमारे और दूसरे फेडरेशन में, वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। सो फेडरेशन की अगर बात करते हैं तो फेडरेशन भाई साहब आए कहाँ से, तो फेडरेशन भाई साहब आए फीडस नाम का एक वर्ड था लैटिन में, जिसको बोलते हैं अग्रीमेंट या ट्रीटी। सो लैटिन वर्ड है फीडस अग्री, जिससे हमारा ये फेडरेशन वर्ड निकला है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट या ट्रीटी। तो कोई भी लोग जुड़ के एक अग्रीमेंट के साथ जब एक सेंटर बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं फेडरेशन। तो कंट्री के बेसिस में अगर बात करें तो फेडरेशन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्ड बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट, जैसे कि यूएसए में। अब इसमें हुआ क्या, यूएसए में क्या हुआ था, जैसे जब इनको फेडरेशन बना था, अच्छा आप अच्छा लिख दिया तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। सो फेडरेशन जो था हमारा, जो यूएसए का फेडरेशन बना था, तो 13 स्टेट्स थी, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स थी, वो उन सब ने जुड़ के एक अग्रीमेंट के तहत एक सेंटर क्रिएट करा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करी, रेगुलेटिंग बॉडी क्रिएट करी, उसे बोला जाता है फेडरेशन। तो बेसिकली 13 डिफरेंट टुकड़े थे, ये जुड़ के एक कंट्री बनी, उसे बोला गया यूएसए। उसे क्या बोला गया, यूएसए। एक अग्रीमेंट के तौर पे 13 लोग जुड़े या 13 स्टेट्स जुड़े, 13 प्रोविंसेस जुड़े, और उन्होंने एक सेंटर क्रिएट करा यूएसए, एक कंट्री क्रिएट करी यूएसए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्रिएट हुई। तो इस तरीके से फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया, कौन सा, यूएसए। कब हुआ था ये फेडरेशन, ये क्रिएट हुआ था 1787 में, 13 स्टेट्स ने मिलकर करा था। आज की तारीख में इसमें कितनी स्टेट्स है, 50 स्टेट्स हैं, 50 टुकड़े हैं, टू बी लेमन भाषा में अगर बात करें तो 50 टुकड़े हैं जिन्होंने जुड़ के एक यूनियन सिलेक्ट कर रखा है, एक कंट्री क्रिएट कर रखी है यूएसए। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो इन सब ने मिलकर बनाई है, और सबकी स्टेट की अपनी खुद की सरकारें भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है। यूएसए इज़ दी फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन, सबसे पुरानी और सबसे पहली फेडरेशन कौन सी है हमारी, यूएसए, जो कि 1787 में स्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले हमारा फेडरल फेडरेशन सिस्टम या फेडरल सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था, यूएसए से ही हमने ये जाना कि फेडरेशन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होता है, ये हमारे को यूएसए ने दिया, यूएसए से पता पड़ा। सो यूएसए कब हुआ, 1787 में। अब जो फेडरेशन है वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से, एक तरीका अभी अपन ने पढ़ लिया कि भैया यूएसए में 13 अलग अलग टुकड़े, 13 अलग अलग स्टेट, 13 अलग अलग राज्य, प्रोविंसेस जुड़ के एक कंट्री बने यूएसए। तो ये तो होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सब जानते होंगे, नहीं तो आपको इसका बहुत हिंदी अनुवाद तो पता होना ही चाहिए, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, इंटीग्रेट होना। सो जब 13
छोटे छोटे टुकड़े या छोटी छोटी स्टेट्स जुड़ के एक कंट्री बनी तो वो कहलाई यूएसए। तो ये होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक तो ये फेडरेशन का एक टाइप क्या हो गया, इंटीग्रेशन, क्या हो गया इंटीग्रेशन। और एक ठीक इसका ऑपोजिट होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन क्या है, डिसइंटीग्रेशन है हमारा इंडिया, क्या है डिसइंटीग्रेशन है हमारा इंडिया। डिसइंटीग्रेशन में क्या है, हमारी कंट्री डिसाइड हो गई कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो एक कंट्री डिसाइड हो गई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने बहुत सारी स्टेट्स को हमारे अंदर ले लिया, बहुत सारे प्रोविंसेस थे हमने अंदर ले लिए, हमारे अंदर ले लिए। तो एक बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक कंट्री तो क्रिएट कर दी हमने इंडिया, एक कंट्री हमने क्रिएट कर दी इंडिया। अब इसके अंदर बाद में हमने क्या करा, इसके टुकड़े करे, टुकड़े इन द सेंस क्या करे, टुकड़े इन द सेंस इसकी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाए, इस वजह से हमने इसका क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जिससे हम इजीली गवर्न कर पाएँ। इजीली गवर्न क्यों कर पाएँ, क्योंकि इंडिया जैसे आपको पता है इज़ दी सेवन्थ लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज, एरिया वाइज पूरी सिटी, सॉरी सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एरिया वाइज। तो दुनिया की इतनी बड़ी कंट्री है ये, प्लस इट वॉज हेट्रोजीनियस, यहाँ पे 50 तरीके के लोग हैं, 50 तरीके की भाषाएं बोली जाती है, हज़ारों तरीके के लोग हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार का रहन सहन है, अलग अलग कल्चर हैं। सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी, बहुत तरीके के फ़र्क हैं, भली भांति के लोग हैं। तो एक गवर्नमेंट ईजीली सबको कंट्रोल नहीं कर सकती थी, एक गवर्नमेंट सेंटर पे बैठ के सारे लोगों का गवर्नेंस नहीं कर सकती थी, देश को चला नहीं सकती थी, क्योंकि उनमें लैंग्वेजेस का फ़र्क आ जाता है, उनके कल्चर का फ़र्क आ जाता है, उनके रहन सहन का फ़र्क आ जाता है, उनकी पॉलिसीज़, उनके विज़न का फ़र्क आ जाता है। तो ऐसे फ़र्क को दूर करने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो ही हो, साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों की गवर्नमेंट भी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर ये पूरा इंडिया है तो हम यहाँ पे बैठ के एक सेंटर में बैठ के पूरे देश को नहीं चला सकते, क्योंकि भैया यहाँ पे अलग भाषा बोली जा रही है, यहाँ पे अलग भाषा बोली जा रही है, यहाँ अलग बोली जा रही है, यहाँ अलग बोली जा रही है, यहाँ पे कल्चर्स अलग हैं, यहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे धर्म अलग है, यहाँ पे कोई और धर्म है, यहाँ पे कोई और धर्म है। सो आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है, कितना वेराइटी है। तो इंडिया में इतनी वेराइटी क्या एक गवर्नमेंट कर सकती है कंट्रोल सबको, एक गवर्नमेंट जो रूल निकाले क्या वो सबके सब फॉलो कर पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज बनाए तो कि सबके सब उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को अराइज करने के लिए व्हाट वी डिड, हमने क्या करा इसके लिए, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमने बनाई दी, साथ ही साथ छोटी 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 हमने स्टेट गवर्नमेंट भी बना दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना दी, अलग अलग जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ हमने अलग अलग गवर्नमेंट बना दी। और धीरे धीरे बाद में चल के आपको जैसा पता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को बाइफरकेट भी कर दिया, हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट अलग से बना दी गई, क्रिएट कर दी गई एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात। सो ये जो प्रोसेस है, एक बड़ी कंट्री ने जाके अपने बाइफरकेशन करे, अपने डिवीजन करे, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स बनाई, छोटी छोटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाई एरिया को कंट्रोल करने के लिए, रीजनल कन्वीनियंस के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या रहता है, फेडरेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। तो ये डिसइंटीग्रेशन का मेथड है। इसी तरह कनाडा भी एक डिसइंटीग्रेशन का मेथड है, जिसमें बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन कनाडा ये इनिशियली 4 स्टेट के साथ बना था, आज की तारीख में से 10 स्टेट है, और इसका क्रिएशन कब हुआ था, 1867। तो कनाडा केम इनटू अ फेडरेशन स्टेट ऑन इन 1867 विथ 4 स्टेट, जो आज की तारीख में 10 स्टेट्स हो चुकी हैं। तो क्लियर है डिफरेंस, समझ में आया आपको इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यूएसए का मेथड है, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स मिलके, छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक कंट्री बनाई, एक पूरी कंट्री बनाई, सबने हाथ जोड़े हाथ मिलाए और एक नई कंट्री बनाई, तो वो कहलाती है यूएसए। 13 स्टेट थी जिन्होंने एक कंट्री बनाई यूएसए। और इसी तरह कनाडा उसके ठीक ऑपोजिट क्या है, एक पूरी कंट्री थी, उसने छोटे छोटे बाइफरकेशन, छोटे छोटे डिवीजन करे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाए, रीजनल कन्वीनियंस हो जाए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस हो जाए, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन से फेडरेशन बनना, और वो बनी 1867 में कनाडा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो बिल्कुल डिफरेंस। एक डिफरेंस को और डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं किसमें, फेडरेशन और यूनिटरी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो सबसे पहला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस टाइप की होगी, डुअल गवर्नमेंट होगी, सिंगल गवर्नमेंट होगी, बहुत ही क्लियर है। डुअल गवर्नमेंट होगी, सेंटर पे अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट्स में अलग अलग, रीजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग होगी। इसमें सिंगल गवर्नमेंट होगी, सिंगल क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि छोटी छोटी गवर्नमेंट हो सकती है रीजनल कन्वीनियंस के पास, बट दे डोंट हैव एनी पावर, उनके पास कोई पावर नहीं, पावर सब किसके पास होगी, भगवान के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। भगवान कौन है इस केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास होगी, और सिंगल गवर्नमेंट है जैसे ब्रिटेन। क्लियर है बात। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा। अब ये कोई बता सकता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होगा और अनरिटन क्यों नहीं हो सकता। रिटन का सबसे पहला मतलब तो ये नहीं है कि रिटन लिखा हुआ और अनरिटन मतलब नहीं लिखा हुआ। अगर किसी भी बच्चे को ये दिक्कत है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता। रिटन का मतलब लिखा हुआ, अनरिटन लिखा हुआ नहीं है।
रिटन का मतलब है कि पहले से लिखा हुआ है और इसके बेस पे आप गवर्न करोगे देश को, इसके बेस पे आप रूल्स और लॉज और पॉलिसीज बनाओगे देश की। और अनरिटन का मतलब है फ्लेक्सिबल, कि मतलब अभी आपने कुछ सारी चीज़ें नहीं लिखी, जैसे जैसे लेजिस्लेशन आ रहा है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वी आर पुटिंग सम थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, विद टाइम चेंज कर सकते हैं उसको। लिखना तो सब कुछ ही पड़ता है, बिना लिखे तो काम ही नहीं होगा, तो लिखना तो सब पड़ता है। बस रिटन में क्या है, सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है, अनरिटन में क्या है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट डाली जा रही है। क्लियर है? सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में तो बहुत ऑब्वियस है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? मेरे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को कौन डिफाइन करेगा, कौन सी चीज़ें सेंटर देखेगा, कौन सी चीज़ें स्टेट देखेगा, ये किससे पता पड़ेगा? भाई रोल्स तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज रख दिए, लेकिन 50 एम्प्लॉयज को करना क्या क्या है उसका मेरे को KRA तो देना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज तो देने पड़ेंगे, उनको ये तो बताना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सिमिलरली जब फेडरल गवर्नमेंट में बनाता हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर जब मैं क्रिएट करता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है, नीचे नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, पूरे देश में गवर्नमेंट्स हैं, तो उनको कौन कौन सी चीज़ों में हस्तक्षेप है, उनका कौन कौन सी चीज़ों को वो देखेंगे, किस किस चीज़ में वो डील करेंगे, कहाँ कहाँ उनकी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है, तो वो कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन अ फेडरल स्ट्रक्चर आपको ये बात तो तय हो जानी चाहिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, नहीं तो कौन आके बताएगा स्टेट को कि भैया आपको क्या करना है, सेंटर को क्या करना है, और दोनों को मिलके क्या करना है। तो ये तो तय हो गया। और यूनिटरी वाले में आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि यूनिटरी में हमारे पास ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, या ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रांस ने अडॉप्ट कर रखा है उसी तरह हम अनरिटन भी कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन में है, जहाँ पे अनरिटन है, जहाँ जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, वी इनकलकेट सम थिंग्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन रादर, जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। अगेन रिटन अनरिटन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से क्लियरली डिफाइंड रोल्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं है, सारी पावर वैसे भी एक आदमी के पास है, तो वो चाहेगा जैसे उसको यूज़ कर सकता है, उसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? थर्ड, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग डिवीजन ऑफ पावर होगा इसमें, और इसमें नो डिवीजन ऑफ पावर होगा। वापस बहुत सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ पावर, जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है चाचा, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, तो इनको पावर तो दोगे ना आप, इनको पावर तो दोगे। फेडरल में आपने इतना सारा माथापूटी करी क्यों, इतनी सारी हेडेक आपने पाली क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओ, फिर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करो, कन्वीनियंस क्रिएट करो, पर इसका मतलब इनको पावर दोगे ना आप, इनको भी तो कुछ करने की इजाज़त दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रूल्स बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स बना सकती है अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्टेट की जनता के अनुसार। तो डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे होगा ही होगा, डिटेल में भी और इसको पढ़ेंगे। नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा ही नहीं, क्योंकि सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। भगवान कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट होती भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती भी है, पर उनके पास पावर नहीं होती, पावर सारी कहाँ से आएंगी? पावर आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। देन जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मे और मे नॉट बी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहनी चाहिए, क्योंकि स्टेट सेंटर के कुछ लफड़े होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, स्टेट स्टेट में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो एक जुडिशरी की ज़रूरत है जो इनके फेडरल स्ट्रक्चर को गवर्न कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अलग मैटर्स में जुडिशरी की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जुडिशरी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी पावर्स वैसे भी किसके पास है? गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट के पास है, नेशनल गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? लेजिस्लेचर कैसा होगा, कानून बनाने की अथॉरिटी किन के पास होगी? तो दो हाउसेज होंगे, बायकैमरल, जैसा कि इंडिया में भी है और USA में भी है, सब जगह दो हाउसेज होते हैं, और यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, बायकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल चाइना में, बायकैमरल ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप दो हाउसेज बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक ही है, नेशनल गवर्नमेंट है, लेकिन उसके दो हाउसेज है, दो हाउसेज है। इसी तरह यहाँ पे एक ही हाउस, एक ही गवर्नमेंट और एक ही हाउस है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम दो हाउस होंगे होंगे। देन कमिंग टू दी फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? रिजिड। क्या होगा? रिजिड, रिजिड इन टर्म्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या सेमी रिजिड है वो हो सकता है, लेकिन जो फेडरल पार्ट है वो तो बिल्कुल रिजिड होगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी है कि अगर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमें कोई चेंज करना है, हमारे जुडिशरी में हमें चेंज करना है, तो आपने जैसे पढ़ा था हमारा कि हमारे को किस टाइप की मेजोरिटी सही होती है, तो हमने पढ़ा था कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी हमारे को चेंज लाना है, तो हमारे को स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसे दोनों हाउस में तो पास कराना ही कराना है, साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो हैव टू गिव देयर कंसेंट ऑन दिस काइंड ऑफ बिल। ऐसा कोई बिल पास होता है जिसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है, यहाँ पे क्या होगा? वापस अगेन इसका कोई लेन देन नहीं, आप रिजिड भी रख सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं। रिजिड मतलब फ्रांस, फ्लेक्सिबल मतलब ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों हो सकता है।
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, गवर्नमेंट से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तो बहुत सिंपल सी बात है, होना ही चाहिए. नहीं होगा तो भाई साहब नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रेगुलेट कौन करेगा? उनको अथॉरिटी कौन बता रहा है? उनको अथॉरिटी बता तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहा है ना. अभी जैसे हमने पढ़ा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल के क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के क्या सब्जेक्ट हैं, यूनियन के क्या सब्जेक्ट हैं, दोनों के आपस में क्या सब्जेक्ट हैं. तो ये सब चीज़ें मेंशन गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा है जभी तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये नेशनल फॉलो करती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट फॉलो करती है. क्लियर है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स लिखी हुई है. इसी के नीचे नेशनल गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, इसी के नीचे स्टेट गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, और कुछ टॉपिक्स कॉन्करेंट होते हैं जो दोनों रिएक्ट कर सकती है. सो कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी दी सुप्रीम, ये लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहलाएगा इसमें. यहाँ पे मे और मे नॉट भी सुप्रीम, बहुत सिंपल सी बात है. वापस मे और मे नॉट आपकी इच्छा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अगर तो उसको सुप्रीम रख लो, नहीं है तो उसको सुप्रीम रखोगे ही कैसे? आप जब लिखा हुआ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके पास वो पावर अलॉट ही कैसे करेगा? क्लियर है बात? लिखा हुआ इन द सेंस वापस जैसे जैसे देश बदल रहा है वैसे वैसे उसको डाल रहे हैं. क्लियर है बात? फॉलो करना जरूरी नहीं है. क्लियर? तो सुप्रीमेसी जरूरी नहीं है हमारे यूनिटरी में. अब आता है हमारा इंडियन फेडरेशन. मैंने आपको बताया इंडियन फेडरेशन क्या है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, थोड़े तो अलग रहते ही हैं. हम ना गोरे हैं, हम ना काले हैं, हम ब्राउन हैं. क्लियर है? सो ब्राउन मुंडे. तो इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा बहुत फर्क है. इंडिया फेडरल सिस्टम इज फॉलोड, देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड फेडरल टर्म फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वापस वही बात हो गई कि फेडरेशन तो है हम फेडरल सिस्टम फॉलो तो करते हैं. हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट है, फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, लेकिन हम फेडरल ही नहीं है सिर्फ, हम यूनिटरी भी हो जाते हैं कभी कभी. हम ग्रेट हैं, हम मतलब कभी कभी यूनिटरी हो जाते हैं, कभी कभी फेडरल हो जाते हैं. इसलिए हमारे को एक वर्ड दिया गया है क्वासी फेडरल. क्या वर्ड दिया गया? क्वासी फेडरल. एट टाइम्स वी एक्ट एज यूनिटरी, एट टाइम्स, एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर फेडरल सिस्टम, बट एट टाइम्स वी रिएक्ट एज यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल्सो. तो हमारे को क्या बोला गया? क्वासी फेडरल. क्या है, कैसे है, अभी देखते हैं. सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट ही क्यों किया? हम यूनिटरी करते हैं ना, थोड़ी टेंशन कम रहती, एक ही सरकार होती, एक ही हिसाब से चलाती कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में वो कानून लागू हो जाएगा, पूरे देश में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? हमारा देश, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा देश बहुत ही बड़ा है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, प्लस वी आर अ काइंड ऑफ हेटरोजीनियस सोसाइटी. हमारे पास, हमारे देश में नाना प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार के हमारे यहाँ भाषाएँ बोली जाती है, तरह तरह के लोग हैं, कल्चर्स हैं, एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, मॉरल्स अलग अलग हैं लोगों के, रहन सहन अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है. आप देखेंगे कपड़े पहनने तक का तरीका, हमारे देश में कम से कम 100 तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, 100 टाइप के कपड़े पहने जाते हैं. फिर हमारे वहाँ पे कल्टीवेशन अलग है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एरिया अलग है, बारिश मानसून अलग अलग है. तो हमारे देश में क्या है, सब कुछ ही अलग है. तो एक रूल हमारे पूरे देश को गवर्न नहीं कर सकता. ये बात समझ में आती है, नहीं आती? बहुत ही क्लियर है. जब मेरे पास इतने सारे लोग हैं तो मैं एक रूल, एक लॉ के साथ पूरे देश को नहीं चला सकता. तो मुझे छोटे छोटे एरिया में उसे कैटेगराइज करना पड़ा, छोटे छोटे एरियाज में उसे कैटेगराइज करना पड़ा, और उस एरिया के लिए मैंने एक सरकार अलग से क्रिएट कर दी. तो अगर मैं यूं बात करूं तो सपोज दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, तो मैंने क्या करा, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसे बांट दिया. ये एक पार्ट हो गया, 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 एक पार्ट, इतने सारे पार्ट हो गए. क्लियर है बात? सो अब यहाँ की अलग से मैंने एक स्टेट गवर्नमेंट बना दी, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बना दी, यहाँ की बना दी, यहाँ की बना दी, मतलब सारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बना दी मैंने, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे एरिया, और उनकी एक सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट बना दी. वहाँ पे अलग से इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे अलग से लोग इलेक्ट होते हैं, वो उस एरिया को गवर्न करते हैं, और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल, इसके ऊपर एक और सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक और सेंट्रल गवर्नमेंट है. तो दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी. जो नेशनल टॉपिक्स हैं या एक्सटर्नल टॉपिक्स हैं उन पे कौन काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी. और जो इंटरनल टॉपिक्स हैं, इंटरनल पुलिस है, एग्रीकल्चर है एरिया का, जो भी है, तो उससे रिलेटेड कौन काम करेगा? उससे आपने काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट. तो आपने देखा होगा पुलिस क्या होती है, स्टेट के नाम पे होती है. महाराष्ट्र पुलिस सर्विस गुजरात की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी. क्लियर है? और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एक मेन अथॉरिटी या मेन गवर्नमेंट हो जाएगी. पावर्स इनके पास भी हैं, ऑटोनोमस ये भी हैं, ये भी अपने लेवल पे रूलिंग कर सकते हैं, अपने लेवल पे बांधते हैं, और इनके पास भी पावर्स है. और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें दोनों का हस्तक्षेप रहता है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बना सकती हैं. क्लियर है बात? सो समझ में आया? सबसे पहले तो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी. तो दो रीजन थे, दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ. एक तो बहुत बड़ा एरिया था तो ईजिली कन्वीनियंट नहीं था एक गवर्नमेंट को पूरे गवर्न करना पूरे देश को. सेकेंड, देर वॉज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एवरी टर्म, तो उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट्स बनानी पड़ी.
फेडरल सिस्टम विद रीजनल ऑटोनॉमी. रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, इनके पास खुद की पावर है, तो ऑटोनॉमस बॉडी है ये, ऑटोनॉमी है, इनके पास खुद के पास पावर है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे. क्लियर है बात? सो इनके पास भी पावर है, और ऐसा होने की वजह से ही वी कैन इंश्योर द एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो ही हम गवर्नेंस ऑफ कंट्री की बात कर सकते हैं, एफिशिएंट गवर्नेंस की. अगर एक सरकार बना लेते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, तो उससे हमारा देश ढंग से नहीं चल पाता. ये ऐसा हमारे को लगता है और ऐसा ही होगा. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे देश में इतनी वेराइटी है. इसी को लेकर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, बाबा साहब ने, आर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस. इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, क्वासी फेडरल. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश में जनरली तो हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है, दोनों के पास कुछ पावर्स हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ इकलौती हमारा सारा कौन रोल कौन ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, और सारी पावर्स किसके पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी वो बाध्य होंगी, माननी पड़ेगी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से. क्लियर है? तो यूनिटरी भी हो जाता है और फेडरल भी हो जाता है, हम बार बार रंग बदल सकते हैं. इसलिए हमें क्या बोला, क्वासी फेडरल सिस्टम. क्या बोला? क्वासी फेडरल सिस्टम. अब इंडिया की अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स दैट भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. इंडिया को क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. दो वी आर फॉलोइंग द फेडरल सिस्टम, पर फिर भी हमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना बोल के हमें क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स. और इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन से बनी हुई है, ये इंटीग्रेशन से नहीं बनी हुई है. ऐसा ना हुआ है कि भैया बहुत सारी टुकड़े मिलके एक नई कंट्री बनाई, ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एक कंट्री में से टुकड़े निकले हैं, एक कंट्री में से बाइफर्केशन हुआ है. थोड़ी ड्राइंग व्राइंग इग्नोर करना, बहुत ही गंदी है, पर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर एक कंट्री बनाई, इंटीग्रेशन हुआ. यहाँ पे एक कंट्री में से छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, दैट इज डिसइंटीग्रेशन. अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इन लोगों को ये पावर नहीं देगी. जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन के टाइम तो क्या होगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जुड़े और इन्होंने जुड़ के एक कंट्री बनाई. तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पास ये पावर तो होगी ना कि कभी भी बाहर निकल सकते हैं, इस अग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा से जुड़े हैं. ये किससे जुड़े, अपनी इच्छा से जुड़े हैं, तो ये इनके पास निकलने का पावर हमेशा रहती है. टू सीसीड अवे फ्रॉम द फेडरेशन दे कैन डू इट, ऐसा होता है. हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन दे हैव द पावर. लेकिन जब मैंने आपको बताया ये हमारा एक देश है, और अब मैंने इसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े का मतलब ये मत करते ना, हमने देश तोड़ दिया है. देश हमारा एक ही है, लेकिन हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े, जैसे IPL है, क्रिकेट इंडिया टीम है, इंडिया टीम इकलौती टीम है. इंडिया जब खेलती है एज अ नेशन, तो एक टीम खेलती है इंडिया. लेकिन अगर आप जब अपना IPL करा लेते, तो अपन क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया. राजस्थान अलग खेल रही है, गुजरात अलग खेल रही है, अब तो गुजरात नहीं है खैर, दो साल के लिए आई थी. फिर हमारा मुंबई डिफरेंट है, दिल्ली अलग है, हैदराबाद अलग है. सो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको हम इसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. बट एज अ होल द कंट्री इज वन. कंट्री तो एक ही है, क्रिकेट तो एक ही है, इंडिया की टीम है, तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी कंट्री एक ही है. लेकिन फॉर देयर कन्वीनियंस, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फॉर द रीजनल कन्वीनियंस, फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस, वी हैव कैटेगराइज, वी हैव डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स. तो ये पार्ट्स हुए. अब जब क्योंकि हमने बांटा है, हमने मतलब देश ने छोटे छोटे टुकड़े करे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इनको ये पावर थोड़ी दे देंगे कि भैया तुम अलग ही हो जाओ, तुम साइड ही हो जाना, तुम्हारी मर्जी हो जब साइड हो जाना. नहीं. तो यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जो स्टेट्स हैं वो सीसीड अवे नहीं हो सकती, वो अलग नहीं हो सकती हमारी यूनियन से. इसलिए इसे क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स. यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों है, क्योंकि जुड़े हैं, अलग अलग आके जुड़े हैं. तो मेरी इच्छा है, अभी जुड़ा हूँ, बाद में अलग हो सकता हूँ, तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है, अग्रीमेंट के थ्रू आया हूँ. यहाँ पे इच्छा से नहीं आया हूँ, यहाँ पे एक देश पहले ही था, उसके छोटे छोटे हमने कन्वीनियंस के तौर पर उसके टुकड़े करें, उसका विभाजन करें, या बेसिकली बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं. तो ये हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए करा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इन टुकड़ों के पास ये पावर आ जाए, इन स्टेट के पास ये पावर आ जाए कि ये कंट्री से अलग हो जाए, सीसीड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमें क्या वर्ड दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्या ही बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्लियर है? द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रिफर्ड. क्यों? इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. इट इज नॉट अ रिजल्ट आउट ऑफ एन अग्रीमेंट फ्रॉम द स्टेट्स. ये एक कंपल्शन के तौर पे हुआ था, ये हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इसका विभाजन किया था. तो आप अलग नहीं हो सकते, और यही सेकंड पॉइंट है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड अवे. ये अलग नहीं हो सकती, फेडरेशन में अलग हो सकती है, अमेरिका में चाहे, यूएसए में चाहे, तो कुछ अलग हो सकती हैं, हो नहीं हो वो अलग कहानी है, पर दे हैव दी पावर टू सीसीड अवे, जो हमारे यहाँ पे नहीं है. देन फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. कोई तोड़ नहीं सकता, शक्तिमान की शक्ति है इसके पास, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता.
उधर तोड़ टूट सकती हैं, इसलिए उसको फेडरेशन वर्ड दिया और इसको यूनियन बोला गया है। अब हमारे जो इंडियन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ लेते हैं। सो ये फीचर्स वही हैं जो हमने डिफरेंस में भी पढ़े थे, यूनिटरी और फेडरल के वही फीचर्स हैं, वही पॉइंट्स हैं, बस हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। सो डुअल गवर्नेंस सीधी सी बात है, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है। यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद क्या क्या टॉपिक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये तो टॉपिक किसके पास रहेंगे, इनके ऊपर कोई भी कानून बनाना है, इनके ऊपर कोई भी एक्शन लेना है तो हु विल बी टेकिंग इट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी टेकिंग इट। स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई काम नहीं कर सकती कि भैया मेरे को पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, राजस्थान वाले बोले हमारे को पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, उसके लिए हम पॉलिसी बनाएं, तो ये नहीं हो सकता, क्लियर है। तो डिफेंस लाइज विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, तो जो आपकी स्टेट का पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, आपको पुलिसिंग जो करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे क्रॉप कौन सी, कल्टीवेशन किस चीज़ का हो रहा है, एग्रीकल्चर किस चीज़ का हो रहा है, कौन से आपकी क्रॉप्स, क्रॉप मैनेजमेंट है सारा, फंड मैनेजमेंट है, तो वो कौन करेगा, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, उसमें सेंटर का कोई लेन देन नहीं है, क्लियर है। फिर इसी तरह हमारे चलिए आगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, रिटन होगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको समझा चुका हूँ। रिटन क्यों होगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे सेंट्रल और स्टेट के रोल्स डिफाइन कौन करेगा, हमने जो विभाजन किया है, हमने जो स्टेट गवर्नमेंट दी, उनको अथॉरिटी दी, ऑटोनॉमी दी है, तो उसके बारे में उनकी डिटेलिंग कौन करेगा, पावर किस तरीके से होंगी, एक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये सब कौन बताएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, भाई मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि भैया कि इस तरीके से आपको गवर्नेंस करनी है, ये टॉपिक मेरे पास रहेंगे, ये टॉपिक आपके पास रहेंगे, आप इसमें नहीं आ सकते हो, इस वाले में सेंटर आपसे इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आपका मेंशन कहाँ पे करोगे, ये आप मेंशन करोगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज दी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, ये सब हमको पता है, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय था, और बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आज की तारीख में ये कुछ बच्चे सवाल पूछते रहते हैं उनके लिए, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। इसको और डिटेल में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक वीडियो लाए थे अपन, उस पर सारा डिटेल में है किस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर नहीं आता तो प्लीज़ गो थ्रू इट, सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मूविंग अहेड, डिवीजन ऑफ पावर, वापस मैंने आपको बताया सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स भी होना चाहिए, किसके पास क्या पावर है ये सब भी तो बताना चाहिए हमारे को, कौन बताएगा, बताएगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, इनका विभाजन कर रखा है, डिवीजन ऑफ पावर, कि किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितनी अथॉरिटी और किन किन टॉपिक्स पे है। सो उसके लिए हम क्या बनाइए, यूनियन लिस्ट बनाइए, स्टेट लिस्ट बनाइए और कॉन्करेंट लिस्ट बनाइए हमने। सो यूनियन लिस्ट वो सब्जेक्ट कैरी करती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट कंटेन करती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट जिन पे लॉ बनाएगी, जो अभी अपन ने आगे भी पढ़ा था, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, लोकल पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, उनसे रिलेटेड। कॉन्करेंट लिस्ट भी दी है हमने एक, जिसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रह सकता है, दोनों मिलकर इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं, क्लियर है। देन इसके अलावा कुछ रेजिडुअल सब्जेक्ट है जिनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, या विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हमारे देश में कुछ नई चीज़ें आ जाएं जो हमें भी नहीं पता है, तो वो सारे टॉपिक पे लॉ कौन बनाएगा, वो सारे टॉपिक को यूनियन लॉ बनाएगा या सेंट्रल लॉ बनाएगा, वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल सब्जेक्ट। और इसको कहाँ मेंशन किया गया है, इसको मेंशन किया है एंट्री 97 ऑफ द आर्टिकल 248 में, ये मेंशन है यहाँ पे, ये जितनी भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पे, ये एज एन शेड्यूल, एज अ शेड्यूल 7th शेड्यूल में मेंशन है, कहाँ मेंशन है, 7th शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल दे रखा हमने, वहाँ पे हमने उनकी लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है और यूनियन लिस्ट क्या है, क्लियर। चला आगे, या आगे क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वापस मैंने आपको बताया कि भैया सारी चीज़ें कहाँ लिखी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होगा, इसी को तो नेशनल गवर्नमेंट फॉलो करेगी, इसी को तो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी दी सुप्रीम, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान होगा, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, उसके बेसिस पे इनको पावर मिल रही है, नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मस्ट। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अब वापस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ चुके हैं हम पहले, बस अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी जैसा हमने पढ़ा था, हम इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कई चीज़ें हम सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए हमारे को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है।
लेकिन जब हम फेडरल की पार्ट की बात कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा रिजिड है हमारे यहाँ पे। फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो एक तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस में पास कराना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर से, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट चाहिए, तभी वो चेंज होगा फेडरल स्ट्रक्चर में। तो इससे क्या पता पड़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर या डिविजन ऑफ पावर्स। स्टेट सेंटर के जो पावर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनको चेंज करना इट इज नॉट वेरी इजी, और रादर इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहां पे। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशरी कैसी होगी हमारी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसा कि अभी आपने देखा केजरीवाल और मोदी जी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट अगर वो इस लेवल पे पहुंच गए, मेगा लेवल पे पहुंच गए, तो उसमें कौन स्टेप इन करेगा, कौन उसको डिसाइड करेगा? तो उसमें डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके ऊपर ना सेंटर की चलती है ना स्टेट की चलती है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा इन द रियल सेंस। क्लियर है बात? सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेगा, और उसको इंटरप्रेट करने वाला भी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीम कोर्ट है। सो ही इज द सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? लास्ट बायकैमरलिज्म, दो हाउस होंगे हमारे यहाँ पे, हर फेडरल सिस्टम में दो हाउसेज होते हैं, तो यहाँ पे भी होंगे दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे सेंटर में लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरह हमारे स्टेट में भी दो हाउसेज हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको ये बताना है, चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, कितने स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। और दूसरी बात, बायकैमरलिज्म हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा तो हैं ही, दो हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस तो हैं ही, तो दो हाउसेज गवर्न करेंगे हमेशा कहाँ पे, जब हमारा सिस्टम कैसा होगा, फेडरल सिस्टम होगा, तो दो हाउसेज होंगे। एक हाउस जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडियन फेडरेशन को, स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है हमारे को पीपल ऑफ इंडिया को, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जनता से चुने हुए लोग कहाँ पे आते हैं, हमारे लोकसभा में। तो दो हाउस होंगे इन केस ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला गया है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। मदर ऑफ पार्लियामेंट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसा आपको पता है, हमने भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था वो कहाँ से किया था? ब्रिटिशर्स से ही किया था, वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही हमने अडॉप्ट करा है, और दुनिया में बहुत सारे देशों ने पार्लियामेंट सिस्टम को कहाँ से अडॉप्ट करा है? ब्रिटिशर्स से ही अडॉप्ट करा है, और ब्रिटिशर्स सबसे पहले थे जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द ब्रिटिशर्स इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक, नॉट द एंड ऑफ द टॉपिक, बट आज के लेक्चर का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, रोकते हैं, विराम लगाते हैं। कल हम पढ़ेंगे यूनिटरी फीचर्स भी पढ़ेंगे हम इसके, और इसका इवैल्यूएशन भी करेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी तक हम इसको एक पॉज लगाते हैं ताकि आप इसको ढंग से पढ़ें, जो भी चीज़ समझ में नहीं है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरे से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट हो सकते हैं। एक बार जाके वापस वीडियो देखना, समझ में आता है नहीं आता है, कोई भी डाउट हो बहुत क्लियरली आप इसको डिफाइन करें और मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।